us. हम गुड़गांव में रहते हैं एंड वी लव यू मिमी एंड सिमोर. आपको देख के एक पॉजिटिविटी आती है एंड यस आप मेरी डेली डोज हो पॉजिटिविटी की एंड आई विश कि हम जल्दी आके आपसे मिले. राइट तेजस? यस. वी लव यू मिमी फैमिली. क्रिसमस ट्री बीन वंडरिंग जस्ट व्हाट यू मीन टू मी. ओके दोस्तों, तो मैं तैयार होने वाली हूँ थोड़ा सा और यूज़ करेंगे जो मैं कल मेकअप लेके आई हूँ. कल मैं आपको बताना भूल गई थी और कल मैंने लिया है ये. सो ये प्राइम परफेक्शन प्राइमर मिलानी से, क्योंकि ये मैंने पहले भी यूज़ किया है, बहुत अच्छा है. सो दूसरी चीज़ मैंने ली है ये मिलानी का मेक इट लास्ट सेटिंग स्प्रे. मैंने मिलानी की सेटिंग स्प्रे पहले कभी यूज़ नहीं की है पर ये मुझे अट्रैक्टिव लगी तो मैंने ले ली. एंड दूसरी मैंने तीसरी चीज़ है मिलानी का ये आईब्रो जेल. जैसा मैं लॉरियल का यूज़ करती हूँ वैसा ही है ये. एंड वन मोर चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है मिलानी का ये लिप लाइनर स्पाइस, क्योंकि ये बहुत अच्छा एंड क्रीमी है और इसे मैं एज अ लिपस्टिक यूज़ कर लेती हूँ. एंड वन मोर चीज़ मैंने ली है वो है ये मिलानी का फाउंडेशन, लाइक पाउडर टू क्रीम फाउंडेशन. मुझे लगा कि जिस दिन आप बहुत कम सा कवरेज चाहते हैं उस दिन आप ये यूज़ कर सकते हैं. कभी यूज़ नहीं किया है मैंने और मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए. सो आज हम इसी को टेस्ट करेंगे और जो शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है 230 लाइट बेज. और ब्रश लेते हैं और ट्राई करते हैं कि कितनी कवरेज है. आप देखिए मेरे स्कार्स आपको दिख रहे होंगे. सो मैं व्हाट इज दिस मॉर्फी के E44 पे लेने वाली हूँ. एंड गुड कवरेज. यू नो समटाइम आप चाहते हैं कि बस बड़ा जा कुछ करो और कवरेज आ जाए, स्पेशली जिनके चेहरे पे स्कार्स हैं उनको. देन यू डन. और ये क्रीम टू पाउडर है तो ज़्यादा ऑयली सा भी नहीं लगेगा. वैसे क्रीम फाउंडेशन ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उससे आई लाइक इट. सम टाइम मुझे बस बहुत थोड़ी सी कवरेज चाहिए होती है, लाइक अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ या कुछ, लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा यूज़ करना मुझे अच्छा लगता है. एक्चुअली इट्स नॉट बैड. रेस्ट ऑफ द मेकअप मैं बाद में आगे करूँगी क्योंकि हिम्मत की ब्रेक होगी. उससे कुछ खिलाने के लिए जा रही हूँ. सो आई विल बी बैक. बाय. So I'm back और ये जो फाउंडेशन है थोड़ा सेट हो चुका है. Okay, दोस्तों, तो आज के व्लॉग की एडिटिंग ऑलमोस्ट फिनिश हुई है. अभी इसका क्वालिटी चेक करना बाकी है पर मैं सेव करने वाली हूँ, उसको बाद में चेक करेंगे. और आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड. ओके दोस्तों, तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और आईज भी में दर्द है एंड नोज़ भी इची है एंड कान भी इची है एंड रनी नोज़ है. मुझे पता नहीं है मुझे कोल्ड हो रहा है या क्या हो रहा है. कोल्ड मुझे हो नहीं सकता क्योंकि कोल्ड कैसे होगा मुझे, लाइक मुझे लगता है कि मुझे एलर्जीज होगी और मेरे पास जो एलर्जी की मेडिसिन है वो ख़त्म हो चुकी है. कल मैं हमारा जो रूम्बा है उसको सेट करी थी और उसने एक चक्कर में कितनी सारी डस्ट इकट्ठा कर ली और उसको मैंने एकदम से खोल लिया. मुझे लगता है कि मैंने डस्ट को ब्रीद इन कर लिया और डस्ट वाली एलर्जी होगी मुझे, क्योंकि सिम्टम वैसे ही हैं और मेरे पास दवाई नहीं है. अब हस्बैंड के आने के बाद ही मैं दवाई लेके आऊँगी, खाऊँगी. अब एडिटिंग अब फिनिश हुई है, समय 1:30 बज चुका है ऑलरेडी एंड अब इसको सेव करूँगी, चाय पीऊँगी एंड थोड़ा सा नैप लेती हूँ. देखती हूँ कि उसके बाद मैं व्लॉग करूँगी या नहीं, काफ़ी मुश्किल होने वाला है पर देखते हैं. पर मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है. मुझे फीवर नहीं है सो सिम्टम मोस्टली एलर्जी वाले ही हैं. एलर्जी वाली मेडिसिन खाते ही अराउंड 20-30 मिनट्स में मैं अच्छा फील करना शुरू कर देती हूँ और मैंने चेक किया है कि नहीं है मेडिसिन. यार विश एक की गोली होती मेरे पास तो मैं वापस आती हूँ यार थोड़ा चंगा फील करके. बाय. ओके दोस्तों, तो हमने रूम्बा को यूज़ किया है एंड
दोस्तों, तो हमने किया है रूम्बा को टेस्ट, वो उसने बहुत अच्छा काम किया. मैंने वैसे ज़्यादा चीज़ें नहीं क्लीन की, ये नीचे वाला सारा एरिया क्लीन कर लिया. और वैसे तो देखने में क्लीन ही लग रहा था, पर उसके बाद बहुत ज़्यादा उसने डस्ट कलेक्ट की है. और हमारे सोफे के अंडर भी चला गया वो, जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता, तो वो भी उसने क्लीन कर दिया. और छोटे छोटे हिम्मत के टॉयज भी उसके अंदर चले गए थे, लाइक दैट. सो पर यह उसको मैंने निकाल लिया है. और मैंने मेरे बेडरूम को क्लीन किया, अंडर द बेड एंड एवरीथिंग, बहुत नाइस क्विकी क्लीन हो गया. बाकी मैं कल करूँगी. एंड बहुत अच्छा मैं फील अभी भी नहीं कर रही हूँ. मेरा लाइक एलर्जी होगी मुझे, क्योंकि उसको मैंने खोल लिया था एंड उसकी डस्ट मैंने ब्रीदिंग कर बता दिया मैंने आपको. सो जैसे ही हस्बैंड आते हैं तो मैं अपने लिए एलर्जी वाली दवाई लेने जा रही हूँ, ताकि मैं अच्छा फील करूँ. इट्स ओके, लीव हिम अलोन. सो यस, हस्बैंड के आते ही मैं एलर्जी की दवाई लेके आती हूँ अपने लिए. देन आई माइट फील एंड हिम्मत प्लेइंग फुटबॉल. यस ही. ओके, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं, और बहुत सारे दोस्त जिन्होंने मेरी शायद वो वीडियो देखी नहीं होगी, पूछते हैं कि मेरे हैंड पे ये क्या हुआ है. मेरा हैंड बर्न हो गया था कुछ समय पहले, आई थिंक समर्स में, और बहुत बुरी तरह बर्न हुआ था और बहुत बड़ा मार्क था. और अब ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है, बस नन्ना सा मार्क रह गया है. होपफुली ये भी हो जाएगा. काफ़ी लाइट लग रहा है अब तो. या सो ये है इन्फॉर्मेशन हैंड के बारे में. और समय हुआ है 4:37 हो चुके हैं, और हस्बैंड कब किसी भी पल आते होंगे. सो मैं वहीं पर तैयार होकर बैठने वाली हूँ कि जल्दी से जाके अपनी दवाई लेके आ जाऊँ. दैट्स इट, यही है मेरे पास. मिमी यू वांट टू कम विद मी? हिमल मेरे साथ कभी भी नहीं आता है, बड़ा ख़राब है ये. ओके दोस्तों, दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे. पजामा, कोट, मी एंड आई एम ऑल रेडी एंड सेट हेयर. हस्बैंड की वेट कर रही हूँ, कल आओगे तो मैं दवाई ले जाऊंगी. और हम मुंडा देखे चिम चिम. वाह, वीकेंड मना दे थे. हेलो दोस्तों, तो मैं अपस्टेयर्स आ चुकी हूँ और समय 9:00 हुए हैं. हस्बैंड डाउनस्टेयर टीवी देखते देखते सो गया है. हिम्मत अपना टीवी शो देखना शुरू कर दिया उसने, और मैं आई हूँ अपस्टेयर्स गुड बाय बोलने के लिए. एंड मैं नहाने के लिए आई हूँ. रात को नहा के सोती हूँ मैं, तो मुझे अच्छी नींद आती है. सो बालों में बुरी तरह से ऑयल निकल चुका है. यहाँ पर मेरे पास एक टिप है, जब आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल निकला हो और आपने वॉश ना किए हो, तो अपने बालों को ब्रश करें स्क्रब करते हुए, और उनको नीचे की तरफ लेके आएं और एंड्स तक करें, ताकि ये जो ऑयल है वो आपके एंड्स तक आ जाए और आपके बाल हेल्दी फील हों. और इससे आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है. पर अगर आप इस सिचुएशन तक पहुंचते ही नहीं है कि आपके बालों में से इतना ऑयल निकला हो जितना मेरे हैं, तो फिर ये स्टेप आपके लिए नहीं है. और कल हम बालों को वॉश करेंगे एंड कल हम हेयर मास्क भी लगाएंगे. सो यस, अब मैं ब्रश करने वाली हूँ. इस तरह मैं मेरे बालों को ब्रश करती हूँ. ये वाले ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा
सूद करते हैं, काम करते हैं, नींद नहीं आ जाती है मुझे। सो सारे काम करने के बाद, नहाने के बाद, स्किन केयर के बाद, सोने से पहले मैं ब्रश करती हूँ। ओके, मुझे लगता है मैंने आपको बताया नहीं, एलर्जी की जब मैंने मेडिसिन खाई उसके कुछ देर बाद ही मेरा नोज बहुत लाइट फील होना शुरू हो गया, लाइक खुल गया और स्नीजिंग भी बंद हो गई। सो यस, एलर्जी की वजह से हो रहा है। धीरे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड सो रहे हैं और मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगर कोई सो रहा हो तो आप तमाल ना पाओ और ज़्यादा आवाज़ें करो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे। पर फिर भी हस्बैंड को समझ में आता ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से जीते हैं, जो उनका दिल करेगा वो करेंगे। बंद करने के लिए ना मन नहीं कर रहा। अगर आप जाना चाहते हैं मैंने हेयर ब्रश कहाँ से लिया है, तो विनर से लिया है। विनर से हेयर ब्रश मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक वो दोनों उठ गए। ओके, नहीं नहीं करते हैं। और यस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरी वीडियोस में फीचर होना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी इंट्रो वीडियो मुझे मेरे सोशल मीडिया पर सेंड करें। इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, फेसबुक पे या स्नैपचैट पे। सारे लिंक्स मेरे सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। वहाँ पे जाएं, अपनी इंट्रो सेंड करें ताकि मैं आपको अपनी वीडियो का हिस्सा बना पाऊँ। इंट्रो में आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं, एंड वेलकम टू मीमी फैमिली। दैट्स इट। मैं कल मिलूंगी आपको, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू आर अ ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, दैट इज इट। आई लव यू गाइस सो मच। बाय। Tradition we celebrate.